ये देखिए नॉर्मल क्लासिक ये ड्राइंग का सामान है, ये देखिए एक भी यूज नहीं कराया, सब जस्ट के जस्ट नया पड़ा हुआ है बिल्कुल, देख लीजिए आप लोग। अगर तैयारी करा रहे हैं आप लोग सैनिक का तो इसमें सामान है ना ला के दें बच्चों को, स्कूल वाले से अपनी छोड़ देते हैं, कोई काम नुकूम करवाते हैं नहीं, इसलिए स्कूल वाले से थोड़ा ध्यान से रखिएगा ताकि पैसे की थोड़ी सेविंग हो जाएगी। पैसे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होते हैं इन चीज़ों में, एक एक बुक्स तीन तीन चार चार 500 रुपया 800 रुपया का रहता है, बताइए क्या जरूरत है इतना पैसा बर्बाद करवाने की इन लोगों की, समझ में नहीं आता है। स्कूल की बुक हेलो गाइस के सबसे पहले आपको स्वागत है संजीव लव यूट्यूब चैनल में। वो खरीद लेंगे थोड़ा सारा, यहाँ पर बुक इसने फैला दिया है, ये छटाई है और यहाँ पर कौन सा रखना है फिर नहीं रखना है, ये देखिए इसने कितने सारे बुक यहाँ पर जमा कर दी, कितना बुक ले रहे पियूष, उसका तो बहुत ज्यादा, सब ये भी यहाँ पर बिखर जाएगा थोड़ी देर में। है मेरी नहीं है, मेरी इसका है बुक है, ये मेरी है, ये मम्मी का पर्स नहीं है, इसकी ये भी तो प्राय नहीं हो रखा है, नोटबुक में होती है, बुक में नहीं होती यहाँ पर। अरे तो क्यों स्कूल अपने सब कुछ आ देता है भाई, सैनिक में पहले उनने तो आज ही इसी साल 2022 में तो बताना चाहिए ना कि जो सैनिक में पढ़ रहा है उसको ये सब बुक्स ना मंगवाए, पता कितना महंगा महंगा बुक है ये, मुझे ये लग रहा है कि वो सैनिक के वो भी कहीं नहीं, इसमें नहीं भरा नहीं लिखा हुआ कहीं, लेकिन वो सर ने करवा दिया, वो अंडरलाइन नोटबुक में होता है, नोटबुक में इसके ड्रॉअर में अंदर अंदर घुसा हुआ था, फिर इसको मिलता नहीं था, था। मेरे लोकल थे, मेरे वो थे ना कलर जो मेरे थे, मैं छीलते ही टूट जाते थे, छीलते टूट जाता है, नहीं ये इसके मेरे ठीक है, मैंने कब बोला अच्छा तू देता भी नहीं था, ये खत्म रखे इसमें तो हम ये करते हैं, ये लेकिन ये भी नॉर्मल में काम, ये नोटबुक, ये सारी ऋषि वर्ल्ड स्कूल की नोटबुक, ये तो इसकी साइंस के फिफ्थ क्लास की, ये सारी भरी हुई है शायद, है ना ये शायद भरी है ना तेरी, हाँ भरी है इसकी, ये सारी इतनी सारी इसकी बुक्स खाली पड़ी है, जितनी भी आप देख रहे हैं, ये बस मेरी वाली पिंक वाली जिस पे ब्रेन बेटा लिखा है वो वाली मैंने भर दी पूरी, ये भी खाली पड़ी है पूरी की पूरी, एक भी पेज इसमें भरा नहीं है, तो खान खान मंगाते रहते हो क्या दुकान से, यूज ने करते नहीं हो मंगा लेते हो, ये क्या है मेरे को थोड़ा थोड़ा ही रखा है, ये क्या है, ये आर्ट का आर्ट की है सामान है, ये पेपर है, ये लेकिन हम यूज नहीं है, ये सारे पेपर तो रख तेरा कागज के लिए है, बाबू शायद सर के लग रहा है तुझे, हां वो वाला भी मेरी अलग बुक आएगी, मतलब वो किसी और अब दुकान से खरीदेंगे अलग दुकान के, फिर दूसरी दुकान ऐसी ताकि ना ताकि कोई बच्चा फिफ्थ क्लास का है ना, तो अगर कोई बच्चा फोर्थ का है तो उसको बुक ना दे सके, ऐसे ही होता है हर जगह, पूरी भरी हुई है मतलब पूरी खाली पड़ी है, हमें पता ही नहीं था ना, न्यू में तो सैनिक में जाते थे, लगता था कि फिर उसको थोड़े दिन बाद, माफ कीजिए कि मैम आप नॉर्मल क्लास वाले बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, सारे बुक रखा हुआ है नॉर्मल में, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ सारे बुक रखा हुआ है नॉर्मल क्लास में, माफ कीजिएगा इसको मैं लिख के देता है ना, अरे बहुत पैसा लिख लेता भाई बुक्स में, बुक्स पता है इस, ये मेरा है, अरे आप सच ले लो यार, रख, अरे रख रहे हैं तुम कैसे कर लेगी, मेरे पेपर से स्टेपलर करके रखे पूरे, ये हम लोगों ने कहे ज्यादा पेपर मेरे पास है इसलिए संभाल के नहीं रखते, आइसक्रीम के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन ये आर्ट के लिए था, लेकिन हम आइसक्रीम के लिए यूज करेंगे, गर्मी आ रही है वैसे भी, ये सारी मेरी नोटबुक मैंने सहेज के रखी थी, तो तेरा भी तो रखा पड़ा है, देखो उसके अंदर देख।
आइसक्रीम जमाने के लिए मम्मी लाई थी, देखिए मस्त है गाइस, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कुल्फी जमेगी? कुल्फी नहीं, इसमें आइसक्रीम जमती है। पर्पल गाइस, अब भैया की बारी है। अरे काम और रखा रखी नहीं, चार पे काम है और रखा है, इसको लॉक कर दो, उसको चार पर स्टेपलर मार दो, बाकी राइटिंग में यूज कर लो। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बच्चों को अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ठीक है कि हाँ आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अगर आप सैनिक पढ़ाना चाहते हैं, तैयारी कराना चाहते हैं, तो आप लोग स्कूल में जा करके पहले स्कूल वाले से ये पता कीजिए कि जो अगर नॉर्मल क्लास होता है तो उसमें बुक्स कौन कौन सा चलेगा। अभी मैंने चेक किया तो पिछले साल मैंने बुक्स लाला के जो दिया था नॉर्मल क्लास का, उसमें से एक दो बुक ही यूज हुआ है, बाकी नॉर्मल क्लास की सारी बुकें जस्क तस पड़ी है, उसमें एक अक्षर भी कुछ नहीं लिखवाया हुआ है। तो जो सैनिक का तैयारी कराएंगे वो पहले पूछ लेंगे स्कूल में कि नॉर्मल क्लासेस में कौन सी बुकें यूज होगी, उसके बाद ही खाम खा गार्जियन का पैसा क्यों हो, इतने ज़्यादा बुक्स इनके महंगे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, 6,000-5,000 की बुक से आती है तो नॉर्मल क्लास की, और सैनिक की अलग आती है। तो अगर सैनिक में पढ़ा रहे हैं तो आप नॉर्मल क्लास की बुकें पहले स्कूल से पता करिए कि कौन कौन सा बुक्स यूज होगा, अन्यथा बुक्स मत खरीदें, ठीक है। नहीं खाम खा ये पैसे खराब करने वाली बात होता है स्कूल वालों को, और कुछ नहीं। मैं देखा दोनों बच्चों का नॉर्मल क्लास की बुकें एक भी यूज नहीं हुई, दो चार हुई है, बाकी सारी नई की नई पड़ी है जस्ट तस बिल्कुल। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्कूल में जाइए, सैनिक जो पढ़ा रहे हैं उसको पहले पता कीजिए कौन कौन सा नॉर्मल क्लास की बुकें यूज होती है, उसके बाद ही खरीद के लाइए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ना तो खाम खा पैसा खराब करने वाली बात हो जाता है, और कुछ नहीं। स्कूल की बुक्स ना ला के दें तो फिर स्कूल वाले चिल्लाते हैं कि हाँ जी बुक्स ला के नहीं दिए, पढ़ाई नहीं होगा। ये नहीं समझ में आता है क्या करना नहीं करना, हम लोग गार्जियन को बस चूना लगाने पर लगे रहते हैं। इसलिए आप लोग जाइएगा, ध्यान से पहले पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग बुक्स खरीद के लाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।